तो दोस्तों आप सभी की बड़ी भारी डिमांड है कि भाई ये ओबीसी की कट ऑफ है वो 128 है और जनरल की कट ऑफ 129 है, फिर एक नंबर पे 1932 बच्चों को कैसे पास किया गया, क्या सारे बच्चे फिर फेल हो जाएंगे फाइनल कट ऑफ आएगी तो, या फिर फाइनल कट ऑफ एक नंबर ही बढ़ेगी। तो ये डाउट केवल एक बच्चे का नहीं, कई सारे बच्चों का है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आप सभी की भाई डिमांड क्यों आती है, वीडियो लेके आया हूं मैं भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज जीरो सीआई सवाल आप, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं कि आपके ओबीसी और जो जनरल कट ऑफ है उसके अंदर एक नंबर का डिफरेंस है, तो क्या एक नंबर पे 1932 कैंडिडेट को पास किया गया है और क्या ये सारे कैंडिडेट्स फाइनल कट ऑफ में बाहर होने वाले हैं। अगर ये सारे कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं तो फिर ओबीसी में सिलेक्शन कौन लेगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज अपन बात करने वाले हैं। ऐसी जानकारी और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो आप मुझे उसका लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिक वीडियो और आपका यूनिक डाउट्स लेके मैं ही आता हूँ हमेशा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि ऐसे अपडेट और ऐसे यूनिक कंटेंट आपको मिलते रहे। तो भाइयों चलिए शुरू कर दे आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में आपका डाउट है भाई, मेरे को 3-4 भाई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और कई लोग कमेंट भी कर रहे थे। तो ओबीसी देखो, ओबीसी कट ऑफ 128.01 गई है और जनरल की कट ऑफ 129.09 गई है। जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो भाई 1.08 का डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ओबीसी में अंदर 1932 कैंडिडेट पास हुए हैं, तो भाई मुझे एक चीज़ जाननी है कि क्या फिर वो बच्चे अगर उनके एक ही 1.08 मार्क्स पर ही क्या 1932 बच्चे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मार्क्स होते तो वो जनरल में काउंट हो जाते, लेकिन वो जनरल में काउंट नहीं हुए तो इसका मतलब वो ओबीसी में काउंट हो रहे हैं, और अगर ओबीसी में काउंट हो रहे हैं तो क्या एक नंबर पर 1932 कैंडिडेट्स हैं क्या भाई मेरे। तो इस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या होता है पूरा क्राइटेरिया के, सबसे पहले आप मैं जो समझाऊँ उसे ध्यान से सुनना, बस केवल आपका काम है केवल सुनने का, ठीक है, समझने का, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको क्लियर करके मैं छोड़ूंगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आप देखते हो कि नॉर्मल आपकी एज क्राइटेरिया कितना होता है, 18 से 23 साल का होता है, जो आपके 2 जनवरी 2000 तक के दिन की डेट ऑफ बर्थ थी उन बच्चों ने ऐसे ही 2022 के अंदर फॉर्म फिल किया था, ठीक है, जिनकी 2 जनवरी 2000 से बाद वाली डेट ऑफ बर्थ है वही बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाए थे, ठीक है मेरे भाई। बात करूँ रिलैक्सेशन की, तो इस बार सभी बच्चों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, तो आपकी एज जो रहती है 18 से लेकर 26 साल तक, मतलब 26 का मतलब हो गया कि जिनकी एज क्राइटेरिया 2 जनवरी 1997 तक का है जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसने इस बार इसके अंदर फॉर्म फिल किया है एस एच डी 2022 के अंदर। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 के लगभग है उन बच्चों ने ही इसके अंदर इस बार फॉर्म भर दिया है जनरल में एस एच डी 2022 के अंदर। बात करूँ मैं ओबीसी की, तो भाई ओबीसी के अंदर क्या हुआ कि ओबीसी के अंदर देखो नॉर्मल एज कोटी आपके 18 से 23 वही सेम आपके 2000 तक के बढ़ सकते हैं फॉर्म, लेकिन रिलैक्सेशन मिलता है इसके अंदर देखो 18 से लेकर 23 तक की तो एज है, 3 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया था और 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को मिलता है, मतलब जो 29 साल की एज वाले बच्चे हैं वो सारे बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब इनकी जो फॉर्म फिल करने की डेट ऑफ बर्थ है वो है आपके 2 जनवरी 1994 वाले कैंडिडेट्स हैं वो सारे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई, ये आपके ओबीसी का क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करूँ तो ये है आपके एस सी एस टी का, तो एस सी एस टी की नॉर्मल एज क्राइटेरिया होता है आपके 18 से लेकर 23 तक का और इसमें भी 2000 तक के फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन मिलता है भाई 18 साल का, तो 18 से 23 तक की तो आप नॉर्मल एज क्राइटेरिया है, 3 साल का गवर्नमेंट ने दिया इस बार और 5 साल का इनको छूट मिलती है एस सी एस टी वालों को, तो मतलब जिनकी कैंडिडेट्स की एज 31 साल तक के कैंडिडेट्स इसके अंदर इस बार फॉर्म भर कर पाए मेरे भाई। एस सी और एस टी के जो भी कैंडिडेट्स 31 साल तक के हैं उन्होंने सभी ने इस बार इसमें फॉर्म फिल किया है, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 2 जनवरी 1992 की डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने फॉर्म फिल किया है इसके अंदर। तो आप पहले ये चीज़ समझो कि कौन कौन के कितने कितने एज क्राइटेरिया वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओबीसी और जो जनरल वाले बच्चे हैं वो एक नंबर पे 1932 कैंडिडेट्स कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको देखता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे ही जीडी कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती प्रक्रिया आने वाली है उसके लिए बेस्ट बुक का कौन सी है, तो उसके लिए चक्षु पब्लिशिंग बेस्ट बुक का भाइयों, चक्षु पब्लिकेशन लेके आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक का कलेक्शन, जिसके अंदर आपके 28 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्व पेपर दे रखा है और आपके पूरे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, आप यहाँ से चारों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ये भाइयों इस स्टडी गाइड के अंदर सभी क्वेश्चंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है ताकि हर बच्चा आसानी से समझ सके और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सके भाइयों। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे अपने घर मंगवा सकते हो और तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो मेरे भाई। अब यहाँ पे आप क्लियरली समझने की कोशिश करना कि जनरल के अंदर देखो 2 जनवरी 1997 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद वाले बच्चे इसके अंदर फॉर्म फिल कर पाए क्योंकि इसके एज क्राइटेरिया 26 साल का था, ठीक है, 26 साल के बच्चे तक इसके अंदर फॉर्म भर पाए हैं इस बार, और ओबीसी वाले में 94 था तो इसके अंदर 29 साल तक के बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर पाए हैं, ठीक है। अब 1932 कैंडिडेट्स की बात करें तो इनको डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है कि इसमें से कुछ बच्चे तो इन 3 साल के क्राइटेरिया के बीच में आते हैं और जो कुछ बच्चे हैं वो वाकई में उस एक नंबर के बीच के डिफरेंस में ही देखने को मिल रहे हैं अपने को, ठीक है।
तो कुछ बच्चे तो एक नंबर है जो 128 से प्लस मार्क्स है लेकिन 139 से कम मार्क्स है, तो कुछ बच्चे तो इसी के बीच में है, और कुछ बच्चे हैं जो ये 3 साल के एज क्राइटेरिया में हैं, और इन 3 साल के एज क्राइटेरिया के अंदर जो भी बच्चा आएगा, मतलब जिनको 26 साल से 29 साल के बीच में जो भी ओबीसी का कैंडिडेट है, उसके कितने भी मार्क्स ज़्यादा क्यों ना हो, भले जनरल के कट ऑफ को भी पार करके वो ज़्यादा नंबर क्यों ना ले आए, फिर भी उसको ओबीसी में ही काउंट किया जाता है मेरे भाई। अगर आपको आपकी एज रिलैक्सेशन के बाद, अगर आपकी जनरल एज के बाद, अगर आपकी जनरल एज के बाद अगर आपकी कोई एज क्राइटेरिया आता है, तो फिर उसके बाद आपको सीधा सीधा अपनी ही कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है मेरे भाई, आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे कि अगर अभी जनरल की कट ऑफ 126 है, ऐसे मान के चलो, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड आपको थोड़ा दिखाता हूँ मैं, ओबीसी कट ऑफ मान लेते हैं 125 है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे के जिसकी एज 1996 जो कि 1994-1997 के बीच में है, तो अगर उसके 129 मार्क्स भी है ना मेरे भाई, तो वो जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहा है, लेकिन उस जनरल में नहीं, उसे ओबीसी में काउंट किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो उसे सीधा सीधा ओबीसी में काउंट किया जाएगा क्योंकि वो इस 3 साल के क्राइटेरिया के बीच में आ रहा है। और कहीं पर मैंने बताया या कुछ कैंडिडेट्स हैं जो 3 साल के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि 1 मार्क्स के ऊपर भी रह रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके 125-126 के बीच में मार्क्स भी हैं। तो वैसे आपके कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो उसके अंदर भी एक चीज़ देखने को मिली। अब इसके अंदर फाइनल क्या होने वाला है, तो फाइनल में आपको समझाऊं कि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि आपके जनरल कैटेगरी से ही सिलेक्ट होंगे, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, जैसे ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज क्राइटेरिया वही आपके मतलब जनरल कैटेगरी में काउंट भी हो रहे हैं, और एज से भी कम ही नंबर आ रहे हैं। मतलब जैसे 26 साल की एज है ना ओबीसी वालों की, जनरल वालों की एज क्राइटेरिया 26 साल है, ओबीसी वालों का 29 साल है, तो जो 26 से कम है वो तो भाई, अगर जिनकी ज़्यादा मार्क्स तो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं ना मेरे भाई, तो अगर वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, तो वो तो ओबीसी का कैंडिडेट अगर जनरल से फाइनल सिलेक्शन लेता है तो जनरल में काउंट होगी, जनरल की सीट ही खाएगा। लेकिन अगर 26 से ज़्यादा 29 से कम वाला बच्चा है, तो भाई वो तो भले जनरल कैटेगरी का हो चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, काउंट ओबीसी कैटेगरी में होना है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी होने के बावजूद उसके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, वो ओबीसी कैटेगरी में काउंट होगा मेरे भाई। तो इसका भले कितने भी मार्क्स में सिलेक्शन हो, ये लेगा सिलेक्शन केवल ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे कि कुछ बच्चे तो मैंने बता दिया एक नंबर पे ही मेरिट होगी, और अगर 2-4 नंबर आपकी मेरिट बढ़ जाती है तो वो बच्चे तो सीधे सीधे मेरिट से आउट हो जाएंगे, जिनकी जो 128.08 से 129 के बीच में है वो तो सीधे सीधे यहाँ से आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनके तो मेरिट बननी नहीं है, क्योंकि 2-4-5 नंबर तो मेरिट बढ़ना श्योर है, ठीक है। और कुछ बंदों की बात करूँ, जैसे कि अभी वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं और जनरल कैटेगरी में उनके मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे 129 पॉइंट कुछ मार्क्स है उसके, 130 मार्क्स है उसके, तो वो जनरल कैटेगरी से पास भी हो रहा है, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स भी उसके अभी। लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ जनरल की 132 चल जाती है, तो वो ओबीसी कैटेगरी में अपने आप आ जाएगा, और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से अपना सिलेक्शन ले लेंगे ये बच्चे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करना और अच्छे से दोबारा समझने की कोशिश करना, क्योंकि भाई मैंने अपना 100% देखा, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, वैसे मैं आपको ऐसे समझाने वाला था लेकिन मैंने सोचा कि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं हर चीज़ लिख के लाया हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आया होगा। तो भाई ऐसा यूनिक कंटेंट लेके आता हूँ कि आपका कोई पूरी यूट्यूब पर इस टॉपिक के ऊपर एक भी वीडियो मिल जाए ना, तो मैं बोलो आप मेरे को वीडियो शेयर कर देना, मैं आपको मान लूंगा कि हाँ वो चैनल बहुत टक्कर का चैनल है। एक भी चैनल ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रखा, जबकि कई बच्चों का डाउट है और कई बच्चे मेरे को मैसेज और कमेंट कर चुके हैं, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। तो भाइयों आपको ऐसे यूनिक कंटेंट, और आपको अगर मेडिकल से रिलेटेड सारे रिव्यू वगैरह जो मेडिकल स्टार्ट होंगे, तो आपको कौन से जो आपका सेंटर है उस पर कौन सा आपका आई चार्ट वगैरह है, कोई सी कोई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसा मेडिकल हो रहा है उसके अगर रिव्यू वगैरह जानने और ऑफिशियल पीडीएफ वगैरह सब देखनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ऑलवेज 0 CS वाला को भी ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाइयों, और आप सभी अपना प्यार बनाए रखो, आपका कोई डाउट होगा तो उसे क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई, ठीक है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी लेके आया था मैं,